Welcome back to my channel. It's me Rajita and you're watching That Glam Girl Rajita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos and hit the bell icon so that whenever I upload the video, you get notified and you can watch my video. So guys, let's quickly straight dive into the vlog. So मैं आज शुरू करने वाली हूँ एक vlog. बट क्या होने वाला है इस ब्लॉग में वो आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है. बट उससे पहले मैंने सोचा कि जब स्टार्ट कर ही रही हूँ, इतना मेहनत कर ही रही हूँ, तो आपके साथ आपके जो क्वेश्चंस है वो शेयर कर दूं. मतलब आंसर जो आपको चाहिए ना वो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फीमेल से रिलेटेड, उनके इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ना मेरे पास आते ही रहते हैं. क्योंकि मैंने आप लोगों को बोल रखा है, आपको कोई भी सवाल हो ना आप मुझसे पूछो, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी. सो बस आ गई हूँ मैं फिर से आपके सारे सवालों का जवाब लेके. बट आज मैं आपको देने वाली हूँ एक ही सवाल का जवाब, जो कि मैं आपको दूंगी बड़े ही अच्छे से विस्तार से, ताकि आपको वो चीजें अच्छे समझ में आ जाए और वो चीजें और जो गलती अब तक आप कर रहे थे वो आप ना करो. गाइज ये जुड़ा हुआ है हमारे उन दिनों से. किन दिनों से? जब हमारे पीरियड्स होते हैं. हम सभी को पता है कि हर एक लेडीज को पीरियड्स होते ही होते हैं जब वो अपनी एक सर्टेन एज में आ जाती है. और ये कहानी तो हर मंथ की है, किसी के 3 दिन, किसी के 5 दिन, किसी के 5 से 6 दिन, तो इस टाइप की साइकिल चलती ही रहती है. और ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है और हेल्दी है. अगर ये नहीं होगा तो नो डाउट हमें ना बहुत सारी बीमारी हो सकती है. बट इसके साथ भी ना बहुत सारे लोगों को टेंशन हो जाती है कि उफ यार पीरियड्स हो गए हैं. बहुत लोगों के पीरियड्स ना इजी नहीं होते हैं, नॉर्मल नहीं होते हैं. कुछ जो कॉमन चीजें होती है ना वो होती है इचिंग की, रैशेस पड़ जाने की और पीरियड क्रैम्प्स की. सो इन सब के बारे में ना मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपको अगर आपकी पीरियड्स हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए. अगर पीरियड क्रैम्प्स की बात करें तो उसके लिए मैं आपको ऑप्शन बता दूंगा, आप हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हो. अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो नहीं यूज कर सकते हो, बॉटल कैरी नहीं कर सकते हो, तो एवरटीन का आता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रोल ऑन, उसको आप यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेस्ट है. बट जब आपको इरिटेशन हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, तो उसका क्या करें? इरिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी जो आपका जो प्लेस है ना, आपकी जो जगह है ना, उसको आप बहुत अच्छे से ना हाइजीनिक कंडीशन में रखो, एकदम उसको साफ सुथरा और ड्राई रखो, तो आपको इरिटेशन नहीं होगी. और अगर बात आ जाती है रैशेस की तो उसके लिए क्या करें? सो गाइस कमेंट डाउन बिलो कि आपने कभी ना कभी तो अपने पीरियड्स के दिनों में रैशेस फील किए ही होंगे. और हमेशा हमारे मन में यह बात आती है कि यार रैशेस हो क्यों जाते हैं, क्या कारण है? हम साफ सफाई भी रहे हैं, पैड को भी चेंज कर रहे हैं, बट फिर क्या कारण है जो हमें रैशेस हो रहे हैं? हमें ना रैशेस मतलब इतने ज्यादा कॉमन लगने लगे हैं ना कि यार पीरियड्स हुए तो रैशेस तो होंगे ही, बट ऐसा नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है ना वो ये है कि आप कौन सा पैड यूज कर रहे हो अपने पीरियड्स के लिए. हाँ, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी स्किन के लिए, वो सूट कर रहा है या नहीं. क्योंकि मोस्टली जो हम पैड यूज करते हैं ना, उनकी जो अपर लेयर होती है वो ना प्लास्टिक की बनी होती है, और जो कि हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है. इस टाइप के पैड यूज करने से ना हमें बहुत इरिटेशन होती है, खुजली होती है, रैशेस हो जाते हैं. अब आप समझे कि ये कारण होता है रैशेस होने का, क्योंकि जब हम प्लास्टिक के लेयर वाला वो पैड लगा लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा ना स्वेटिंग होती है, और स्वेट कहाँ जाएगा, वो वहीं पे कलेक्ट होता रहेगा. उसकी वजह से आपको इचिंग होगी, खुजली हो रही है, और आप खुजा रहे हो, रैशेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ना आपको प्रॉब्लम हो जाती है. फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा जनरेट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से भी रैशेस हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, निशान पड़ जाते हैं, और आप बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल हो जाते हो. अब ये तो मैंने आपको बताया कि इफ इन केस अगर आप पैड यूज कर रहे हो तो उसको ना आपको हमेशा 4 से 6 घंटे में चेंज कर ही लेना चाहिए. नो मैटर वॉट आपने उसको यूज किया है, सो उसका टाइम पीरियड होता है, तो आप उसको अगर यूज कर लेते हो उसको रिमूव करो, उसको नया पैड लगाओ, तो आपको ना खुद से अलग से फ्रेशनेस और सैनिटेशन का फील आता है कि हाँ साफ सफाई रखी है हमने. पैड जो आप लगा रहे हो ना वो कॉटन बेस्ड होना चाहिए, कोई प्लास्टिक वाला नहीं. मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी कोई इरिटेशन, रैशेज या फ्रिक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती है. क्योंकि मेरे पास है ये है एवरटीन का नीम एंड सेफलर वाला सैनिटरी नैपकिन, कॉटन का बना हुआ है, कॉटन टॉप लेयर है इसमें, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जेंटल होती है. हमारी इंटीमेट स्किन ना इसके साथ ब्रीथ भी कर पाती है, तो इस टाइप की कोई इश्यूज हमें नहीं होते हैं. इस टाइप का पैड है, ये काफी ज्यादा लंबा है, एक्सेल है, और बहुत ज्यादा ना आसान भी है इसको लगाना, और बहुत ज्यादा ऐसा मोटा नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल होगा, और काफी अच्छी क्वांटिटी में ना ब्लड को एब्जॉर्ब भी कर लेता है. इसमें है एडवांस प्रोटेक्शन लीक, और बैड ऑर्डर को भी ना ये कंट्रोल करके रखता है, आपको कंफर्टेबल फील करवाता है. स्किन फ्रेंडली और एंटी टैनिंग है, टैनिंग नहीं होती है स्किन के ऊपर, कोई भी किसी भी टाइप की आपको इरिटेशन रैशेस भी नहीं आता है. ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर नीम एंड सेफलर होता है. तो नीम क्या करता है? सबको पता है कि नीम में ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है. जब भी हमारे पीरियड्स होते हैं और हम पैड का यूज करते हैं तो काफी सारा
ब्लड ना पैड के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। बट अगर आपके पैड में नीम है सो वो क्या करेगा, वो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको होने नहीं देगा, उसको रोके रखेगा, और वो नहीं होगी तो आपको इरिटेशन रैशेस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने पीरियड्स में अपने इंटीमेट एरिया को ड्राई रखोगे ना, क्लीन रखोगे, सो आपको किसी भी टाइप की ना कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। गाइस मेरे पास है एवरडीन के नीम और सैफलर वाले दो तरीके के वेरिएंट्स है सैनिटरी नैपकिन के, एक तो है कॉटनी ड्राई टॉप लेयर और एक है कॉटनी सॉफ्ट टॉप लेयर। आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत ही ज्यादा ना स्मूथ फील आएगा क्योंकि ये दोनों ना स्किन फ्रेंडली हैं। इनको यूज करके ना मैं तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ और आप भी हैप्पी हो सकते हो अगर आप इनको बाय करते हो। आपको उसको बाय करना है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहां से ना आप चेक कर लेना। गाइज आई एम ऑल्सो हैप्पी एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस एवरटीन पैड फॉर योर इंटीमेट एरिया। इसमें ना आपको 8 लेयर प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा लार्ज पैड, ओडर लॉकिंग जेल कोर सिस्टम एंड एडवांस लीक प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है, जो कि आपको आपके पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी टाइप का ना कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सारी बाइंग लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, बट अगर आपको फिर भी कुछ और भी जानना है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया है फ्री हेल्थ कंसल्टेशन का, सो वहां पे भी अगर आप चेक करते हो ना, आपको क्या करना है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपके पास डॉक्टर्स का कॉल खुद आएगा और वो आपकी प्रॉब्लम पूछेंगे और उसका सोल्यूशन दे देंगे। सो गाइस इजंट इट अमेजिंग, सो फटाफट से ना इस प्रोडक्ट को चेक भी कर लेना, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हो। और अब मैं आपको दिखा दूं कि मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूं। सो गाइज यहाँ ना मैं बस सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट पार्ट देख लो, जो मैं मॉल गई थी, होम सेंटर गई थी, मैंने कुछ शॉपिंग की थी, तो बस उसी का ही ये सेकंड पार्ट है। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सेकंड पार्ट दिखाओ, तो हेयर इट इज। काफ़ी कुछ देख रही थी मैं, ये फोटो फ्रेम्स भी हैं, बाकी कुछ मतलब ऐसा सामान था ना मुझे जो चाहिए था, बट जैसा मुझे सेटअप करना ना उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मैं ढूंढ नहीं पा रही थी, या मिल नहीं रहा था, या कलेक्शन उतना नहीं था। कलेक्शन नो डाउट बहुत अच्छा था, बट मुझे ना उतना अच्छा नहीं लगा मेरे लिए। बहुत सारे ऐसे मैंने सेपरेटर्स भी देखे, छोटे छोटे ट्रेज भी देखी, बट मुझे ना मोस्टली वुडन ट्रेज मिली जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। बेसिकली मुझे किचन के लिए कोई आइटम नहीं चाहिए था, किचन के लिए मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। मुझे अब चाहिए था अपने शॉर्ट्स लेने के लिए, लाइक कुछ प्रोडक्ट के शॉर्ट्स होते हैं ना उसको दिखाने के लिए, ग्लास वाला ट्रे मैं ढूंढ रही थी, बट जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला। मुझे दिखा था अमेज़ॉन पे, हो सकता है कि मैं वहीं से ले लूँ, यहाँ मुझे नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं थोड़ा फिजिकली जाऊँगी, अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और आप ना इसमें नोटिस करो मेरे बाल कितने लंबे हैं, और अब अगर आप रीसेंट वीडियो देखोगे ना, मतलब ये भी रीसेंट ही है, पर जब मैं गई थी ये उस टाइम की, और उसके शायद आई थिंक एक दिन बाद ही मैंने हेयर कट ले लिया था, हेयर कट मतलब ट्रिमिंग कराया था। काफ़ी ज़्यादा ना स्प्लिट एंड्स हो गई थी और लंबे भी हो गए थे, तो उसी के लिए मैंने सोचा थोड़ा सा ट्रिम करवा लेते हैं। तो ये देखो, ये मिली थी मुझे वुडन ट्रेस टाइप की, मुझे नहीं चाहिए थी, और वहाँ पे जो सेल्समैन था ना उससे मैंने पूछा, बट नहीं मिली। जो लेना था फाइनली ले लिया था मैंने, और उसके बाद अब मैं चली थी पार्किंग में, ये खाली था तो मैंने सोचा चलो यूज़ कर लेते हैं, रील बना लेते हैं। फिर बस गई नीचे और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, सारी की सारी ना मैंने लिफ्ट मतलब ऐसे दबा दी थी कि कोई तो आए। तीन लिफ्ट थी, तीनों में से एक लिफ्ट आई, ऑब्वियस सी बात है, बाकी इधर उधर भी जाना था उन्हें। सो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे ना मैंने खाया बहुत ही अच्छा डिनर। एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट रेस्टोरेंट है, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको जानना है तो, और बहुत यमी फूड था। सो गाइज बाय, आई लव यू ऑल।